है वो भी देते रहें। माइक की ज़रूरत है आपको? आप लोग मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? माइक यूज करना पड़ेगा क्योंकि मैं माइक का आदि नहीं हूँ। एक बार माइक मेरे गले में डाला गया था यहाँ और बड़ी परेशानी हुई थी उससे, लेकिन अब हाथ में है माइक, और अगर गड़बड़ हुई माइक की तो प्लीज़ आप मुझे अपने अल्फाज में बताइए, क्योंकि मैं आपको देख नहीं सकता, इसलिए नहीं, ये ठीक है। आप लोगों को सुनाई दे रहा ना मैं जी? अच्छा, बात यह है, अभी उन्होंने कहा कि माइम क्या चीज़ है और क्या इसका पन क्या है, तो इसकी तारीफ अंग्रेज़ी में जो मैंने पढ़ी थी और जहाँ से मैं स्टार्ट किया माइम, वो ये था कि माइम इज़ एन आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन and thinking and move through and through movement. When an artist performs and he shows his thinking, emotions on the stage, that through body movement, that is mime without resorting to words. तो वर्ड्स का इसके अंदर नहीं है, और वर्ड्स की चीज़ ये है कि खामोशी का तो नाम होता है, वरना यूं भी कलाम होता है, ये मजाज का शेर था। और फैज़ अहमद फैज़ ने कहा कि कुछ इस तरह मेरी खामोशी गूंजी, गोया हर सिम से जवाब आए। तो अब आपको ये मैं बताऊँ कि माइम में पहली ग्रामेटिक चीज़ क्या है, हाउ इट इज़ द ग्रामर। तो मुझे जो है ये इससे दूर करना पड़ेगा इस माइक्रोफोन। अब इसमें चीज़ ये है कि फर्स्ट थिंग द बॉडी मूवमेंट अबाउट द लाइंस, लाइन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। कि अब ये है, समझिए मेरा हाथ ऐसे जा रहा है तो इसमें पूरा लाइन का होना चाहिए, तो मूवमेंट ऑफ लाइन है। इसमें अभी बात हो रही थी मेरी एक बड़े अच्छे माइम से यहाँ के मिस्टर मधुसूदन, तो वो मुझे उन्होंने मुझे बताया कि किसी उनके उस्ताद जो थे इसका मुजाहरा किया और ये कहा। अभी आप देखिए लाइन्स की कितनी अहमियत है, बड़ी स्टैंड अप यू सी। Now, I am here. One. Number two, now you see the lines. अब आप ये lines के बारे में देखिए। अब ये जो लाइन है स्टेप्स की, दिस थिंग यू कैन मेक अ लाइन लाइक दिस ऑल्सो। सो आई गो अप, लाइक दिस, देन अगेन फोर इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर। One is weight. Again, is that you take a weight, but the line is there. So I take up, up, up. If I take a suitcase, then I hold it, bring it in the line, up, take it out. But yeah, da, take it. Bring and put it. So this is one line. The second line is here. I'll take it up,
third, I push it back. This is weight. Now, the thing is, pushing and pulling. So, I take this position, the line is there, and then I push it. So, अब आप देखिए, इसमें this thing, and then I am using my leg also, this leg, and it goes like this. Same way is pulling, यह है ये pull, but the line is there, pull, and this, and it, so this thing is there. तो ये बेसिक चार चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं इसमें. अब ना, अब मैं कैसे सीखा, ये चीज ये है कि मेरा कोई उस्ताद नहीं है, मेरा कोई गुरु नहीं है, और मेरा सिर्फ एक गुरु था, दैट इज शिवा. चीज ये हुई कि हिंदुस्तानी थिएटर में जब मैं काम कर रहा था, तो शर्वेलक का थर्ड एक्ट में, मिर्च का ठीक के प्ले में थर्ड एक्ट में एक सीन है जहाँ शर्वेलक चोरी करने आता है गुरुदत्त, चारुदत्त के घर में. तो उसका इल्यूजन क्रिएट करना था, तो मैंने इल्यूजन ऐसे क्रिएट किया, वॉल का किया कि वॉल पे चढ़ा, वॉल से कूदा, कूद के उसने सेन बनाई और अंदर गया. तो एक फ्रेंच क्रिटिक थे, डॉक्टर चार्ल्स फाबरे, उन्होंने कहा मुझसे कि ये इट्स अ वेरी गुड पेंटोमाइम एक्ट. मैंने कहा कि भाई आई डोंट नो व्हाट यू मीन बाय पेंटोमाइम, क्योंकि मैं गया गुजरा आर्टिस्ट था, मुझे पढ़ने लिखने से कोई ख्वाहिश नहीं थी. तो उन्होंने मेरे को किताब दी थी, तो उसमें यही था कि बॉडी मूवमेंट के थ्रू यू हैव टू एक्सप्रेस. फ्रॉम दैट टाइम आई स्टार्टेड, एंड देन आई मेट मैन कॉल्ड थियो लिज़वेक एट सिंधिया हाउस एंड आस्क हिम, आर यू एन आर्टिस्ट? ही सेड नो, आई एम अ माइम. तो मैं बोला कि भाई मुझे ज़रा बता दो माइम क्या चीज़ है. तो ही गेव मी अ स्मॉल परफॉर्मेंस एंड ही लेफ्ट. फ्रॉम हिज परफॉर्मेंस आई गॉट दैट द माइम का जो बेहतरीन एलिमेंट है, दैट इज इल्यूजन मेकिंग. जैसे मैंने आपको अभी बताया, सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना और ये लाइंस का इससे. नाउ आई present an act of a photograph, a photographer. Acha bibi bachcho, isme ek cheez ye hai ki at that time, in our time, the photographer has always a big camera and the black curtain. To wo curtain aisa dal ke usme se dekhte the. You see, this is the thing. Iska zara hata nahi. अच्छा, टेल मी, आप लोगों को पीछे सब सुनाई दिया ना जी? वेरी गुड. बिजी हूँ, आधे घंटे में छोड़ कर. दिस इज द एक्ट ऑफ फोटोग्राफर.
Everybody is waiting for that. The timing of the stage timing and the real life timing is different. That is your interpretation. So, waiting to show in few seconds that he is a bore. This is also the element of few actings comes in it. Then if you watch
carefully only the lines when we take out the camera, the lens. So the hand movement with the light, it goes. And then there are curving movements there. Then to show that one person is there or many, then he uses his head. This is going on like that. These are the elements in this thing. Very well. The anger and his उसकी जो कोशिश है टू गिव अ ग्रुप अ नाइस फीलिंग देन ही यूजेस हिज स्माइल एंड ऑल दिस थिंग सो दिस वाज दैट नाउ आई विल शो यू आई एम सॉरी बिकॉज आई एम ओल्ड एंड माय बॉडी इज नॉट मूविंग राइटली बट आई विल शो नाउ आई विल शो यू अ प्रॉब्लम of dentist. Okay.
प्रोफेशंस की पैरेडी बनती है इसमें माइम में, और एलिमेंट ऑफ ह्यूमर कम्स इट, बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो एन आर्ट टू शो वॉट वी आर सीइंग ऑन अवर रोड्स. नाउ दिस इज अ स्टोरी of a hungry man and the buck. Show our society, our poverty. If you laugh, you can laugh on it. If you think, you think on it. But the mime shows
everything. What he sees, what he feels, he presents. देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम. What I see, I present you, whether you like it or not. That is the thing. Now, I'll show another thing. In pantomime and mime, you, I mean, it's a range, it's a very big range of telling a story or giving a movement or something. But you have to work on it and find out. जैसे हर हर आर्ट में है, हर फन में ये चीज़ है कि you have to fall. My problem came. How to show the death? That was the thing. How you show the death? Now, I try to show you. This is a boy and the butterfly. She had to see the flower and all the things, and then he takes and uski justaju
you see, he wants to find out what is it, curiosity. So see how this work is working, how beautiful it is and all this thing. Then the play, child plays with the objects and all this thing. So, but his carelessness met with the thought. And the first time the child met with thought, from death, usually what happens, the children ask, hum kahan se aaye hain? Bacche apne maa baap se poochte hain, hum kahan se aaye hain? From where? Where we will go? They are children. But this question is always with them, ki hum kahan se aaye hain aur kahan jayenge? So this whole thing is there in this act. Yeah. अब आपको मैं क्या बताऊँ? ओके, बच्चे का तो हो गया, आई एम सो सॉरी, माई बॉडी मूवमेंट्स आर हाफ टू हाफ इट इज, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. ब्रिलियंट. नाउ चाइल्ड इज गॉन. You take a young man. Young man, how he behaves, the bachelor and the button. Button, bachelor and the button. Button. This button. Bachelor and the button.
Yeah.
Coming and showing me. I was on like the last lap. I am on the stage of my life. Thank you very much. Thank you so much, Dirshad ji. If now the floor is open for any question and answers, could few of them. Yeah, just shout out. Yes. Can I speak here? Yeah, you shout out the question. Yes, shout. Yeah. Yeah. Just hold your thought. Madhu, please come. He is one of a very good friend of mine of Hyderabad. You please. He is popularly called Mime Madhu. Madhu, a little bit about yourself.
Please give the stand ovation. Yes, you deserve the standing ovation, ladies and gentlemen. Because we two are there to answer you. Yeah. Anyone? Yeah, please resume seats. I think silently you have said everything. What is it? It says you answered everything silently. I think silently you have told everything. Thank you very much. Thanks a lot. Yeah. Yes. There are some parts of my questions. First of all, I pray to God to give you the long life. Thank you. And sehat sabse acha ke wo aapko achhi sehat ata farmaye. Thanks. Next question, my you were intermittently saying ki meri energy kam ho gayi hai utna body mein wo nahi hai, lekin mere ko aisa lag raha hai कि खंडर बता रहे हैं कि अभी कभी इमारत बुलंद थी. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, बिकॉज